भगवान शिव जगत पिता होने कारण सारे संसार को संभालने की जिम्मेदारी उन्हें ही निभानी पड़ती है। विश्व का कल्याण करने के लिए उन्होंने समय समय पर कई सारे अवतार लिए। उन सभी अवतार के पीछे सबका कल्याण ही था। भगवान शिव ने जो अवतार लिए वे सभी सामान्य अवतार थे, क्योंकि उन सभी अवतारों में पुरुष के अवतार थे। लेकिन एक बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई, जिसकी वजह से उन्हें पुरुष का अवतार लेने की जगह स्त्री का लेना पड़ा। लेकिन इस अवतार को भगवान शिव को क्यों लेना पड़ा, इसके बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं। भगवान शिव के इसी रहस्यमयी अवतार के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। भगवान शिव के इस अवतार को सभी लोग आज गोपेश्वर का अवतार कहते हैं। गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर। भगवान शिव का यह मंदिर वृंदावन के वंशीवता प्रदेश में है। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर के परिसर में बड़ा सा पीपल का पेड़ है। यह पेड़ सबकी इच्छाएं पूरी करता है, इसलिए इस पेड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। इस मंदिर के भगवान शिव के शिवलिंग को गोपेश्वर नाम से जानते हैं। इस मंदिर के भगवान ने साड़ी पहनी है। भगवान में महिला के सारे गुण दिखाई देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद भक्त के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे आनंद ही आनंद मिलता है। गोपेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कहानी प्रचलित है और ये कहानी बहुत ही पौराणिक है। ऐसा कहते हैं, एक बार भगवान कृष्ण वृंदावन में यमुना नदी के किनारे महारास रचने वाले थे और उस समय शांत रात्रि का समय था। इस रासलीला के देखने के लिए भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती काफ़ी उत्सुक थे। लेकिन जहाँ पर ये रासलीला होने वाली थी वहाँ पर अकेले भगवान कृष्ण को छोड़कर कोई अन्य पुरुष जा ही नहीं सकता था। माता पार्वती को रासलीला देखने के लिए बड़ी आसानी से अनुमति मिल भी गई। इस रासलीला की देवी राधा को प्रश्न करने के लिए केवल भगवान कृष्ण ये रासलीला करने वाले थे और उन्हें अपना मित्र बनाने वाले थे। जब भगवान शिव को अंदर आने से मना किया गया तो वे बहुत दुखी हुए, इसलिए उन्हें वृंदावन में प्रवेश द्वार के बाहर ही रहना पड़ा और देवी पार्वती की प्रतीक्षा भी करनी पड़ी। लेकिन भगवान शिव को रासलीला देखने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वे रासेश्वरी देवी राधा को विनती करने लगे। भगवान शिव की तीव्र इच्छा को देखकर वृंदा देवी ने उन्हें रासलीला देखने का रहस्य बताया। भगवान शिव को मानसरोवर में यमुना नदी में स्नान करने के लिए कहा। इसके बाद भगवान शिव को रासलीला देखने की अनुमति मिल गई और वे अंदर चले गए, क्योंकि उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया। लेकिन उन्हें देखकर भगवान कृष्ण उन पर थोड़े से हंसे। उन्होंने भगवान शिव को गोपेश्वर नाम दे दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें रासलीला के प्रवेश द्वार पर रहने की जिम्मेदारी सौंपी। जो अंदर आने के लिए योग्य है उन्हें ही अनुमति देने को कहा। उस दिन से भगवान शिव वहाँ पर गोपेश्वर के रूप में प्रवेश द्वार पर रहकर रक्षक का काम करने लगे और किसी अनुचित व्यक्ति को अंदर आने नहीं देते। गोपेश्वर पूरे वृंदावन का रक्षण करने का काम करते, इसलिए बाद में वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की गई। भगवान शिव के इस गोपेश्वर मंदिर को बहुत सुंदरता से बनाया गया है। इस मंदिर को बहुत ही सुंदर वास्तुकला में बनाया, इसलिए हर यात्री इस मंदिर के जरूर दर्शन करता है। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान शिव का ये गोपेश्वर अवतार सबसे पवित्र और दिव्य अवतार माना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव गोपेश्वर के रूप में और भगवान कृष्ण गोपी के रूप में स्थित हैं। वृंदावन में स्थित भगवान शिव का यह मंदिर काफ़ी मनोहारी है। इस मंदिर के सभी लोग भगवान शिव को गोपेश्वर नाम से जानते हैं। यहाँ का गोपेश्वर महादेव मंदिर बहुत बड़ा और भव्य है। इस मंदिर को बहुत ही सुंदर वास्तुकला से बनाया गया है। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर के बाजू में एक पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ काफ़ी विशेष है, क्योंकि इस पेड़ के सामने जो भी अपनी इच्छा रखता है पेड़ उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, इसलिए बहुत से लोग इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। महादेव के इस मंदिर को बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे पर्यटन और पर्यटक बहुत आते हैं इस मंदिर को देखने की भव्य इच्छा लेकर। आज के
आपको ये मंदिर का दर्शन कैसा लगा हमें आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें और आगे भी हम आपको ऐसे ही मंदिर अनोखे अनोखे भारतवर्ष के अनोखे अनोखे मंदिर की जानकारी देंगे।